तो भाई क्या हाल है मेरे भाइयों के। आई होप यार आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे, सबसे बड़ी बात। तो यार तो भाई क्या कर रहे हो, पीपीएफ करवा रहे हो नहीं करवा रहे कहीं? नहीं भाई नहीं करवा रहे। नहीं क्यों यार, ऐसा क्या हो गया? अभी अभी आपकी पहले मैंने वीडियो देख ली अभी। अरे यही वाली जो हम बना रहे हैं, ये जो वाली जो हम बना रहे हैं, राइट। तो भाई कोई भी अगर पीपीएफ लेने जा रहा है, पीपीएफ करवाने जा रहा है, तो पहले ये वीडियो जरूर देखना। मे बी आपके मैं थाउजेंड्स और कई कभी कभार लैक्स बचा सकता हूँ अभी के लिए। अब मैं एक यूज केस सिनेरियो देता हूँ। ये मैंने ना पीपीएफ करवाई है, ये वाली लग रही है भाई। आप बताओ मेरे हिसाब से तो सही लग रही है। ब्लैक पीपीएफ है भाई ये। हाँ भाई वैसे फिनिशिंग तो बढ़िया है वैसे। हाँ भाई ये तो नहीं करानी, ये नहीं करानी। नहीं ब्लैक पीपीएफ करवा लो। चलो भाई आपने बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। सस्ती है? सस्ती नहीं है भैया, 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? हाँ अब और बताओ आप। भैया मेरे तो लाख लग गए ना आपके तोड़ने से, मेरा क्या है? तो भाई यही आज हम डाउट सॉल्व करने जा रहे हैं कि भाई पीपीएफ का चक्कर क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आज मैं क्या गिनाऊँ कि आपको पीपीएफ नहीं करानी चाहिए और किसके लिए पीपीएफ बनी है, किसके लिए नहीं बनी है। तो भाई हमने भी ना बहुत मतलब दीज डेज, मतलब ओवर द पास्ट मंथ मैं बोलूँगा, ठीक है, हम थोड़े से ऑक्यूपाइड थे हमारे बैक टू कस्टम के काम में। इस बीच हमने काफ़ी डिटेलिंग स्टूडियो भी खुलवाए एंड वही एक्सपीरियंस ना अब मेरे को अच्छे से मिल रहा है। कस्टमर से फीडबैक आ रहे हैं एंड अब मेरे को और नॉलेज हुई है इस फील्ड की, करीब करीब अब अच्छा खासा मैं इस। तो भाई सबसे पहली बार मैं बता दूँ तो पीपीएफ ना अगर आप करा रहे हो तो मेक श्योर कि सही से कराओ, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं साफ बोल देता हूँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, बट आपको रोना इसमें पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा भाई पीपीएफ करा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले अगर आपके पास गाड़ी ऐसी है, ठीक है, आपने देख लिया होगा, तो ये मैं बता दूँ ये हमारी ब्रियो है। आप इसकी एज गेस करो कमेंट में, एज बताना मेरे को कितनी है इसकी, ठीक है। फिर जो लोग जानते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको पता होगा क्या एज है, ठीक है। अब आप देख के एज को जज नहीं कर पाओगे, ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो अब आप मेरे को एज कमेंट करना एंड फिर मैं लास्ट में या फिर अगली वीडियो में बताऊंगा क्या चक्कर है। अब देखने से आपको ये गाड़ी बढ़िया लग रही होगी, ऑल राइट? हाँ भाई ठीक है, बढ़िया नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब मैं इस पर पीपीएफ करवाऊँ या नहीं करवाऊँ भाई? देख के ज़रूरत नहीं है भाई, देख के ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये पूछनी है, डू यू रियली नीड पीपीएफ और नॉट? तो भाई मैं बता दूँ, पीपीएफ सबसे पहले तो एक्सपेंसिव साइड में बहुत है। अगर मैं ऐसी गाड़ी ले रहा हूँ जो कि जिस के मान लो मैंने ये गाड़ी करीब करीब 7-8 लाख रुपए की ली थी, ठीक है, 6.90, 6.7 मतलब 7 तक मोटा मोटी। एंड मैं इस पर पीपीएफ करने जाऊँगा ना, क्योंकि मेरे को नॉलेज है तो मेरे को पता है कौन सी करवानी है और एक्चुअली में कौन सी वर्थ रहेगी मेरे लिए। इस गाड़ी के लिए कोई भी वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी की ये गाड़ी है ना अभी जो इसकी वैल्यू है उसकी 1/3 या 1/4 के अंदर मेरी पीपीएफ लगेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को ज़रूरत है। पहली बात क्यों? क्योंकि भाई मेरी गाड़ी शेड में खड़ी होती है, मतलब कि ठीक है पार्किंग में खड़ी होती है। एंड यहाँ पे क्या है कि भाई अगर मैं बाहर भी कहीं खड़ी करता हूँ ना तो आप देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट शेडेड एरिया में रहती है, यूवी के अंदर, मतलब यूवी रेज या फिर सन का, इसके अंदर सन के जो रेडिएशंस होते हैं इसमें बहुत कम या फिर ना बराबर पड़ते हैं। ऑब्वियसली पड़ेंगे यार, गाड़ी लिया चलेगी रोड पे तो पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कंटिन्यूसली इसको सन में खड़ी करे जा रहा हूँ महीने भर तक, साल भर तक, तो बात अलग पड़ जाती है, ठीक है। अब मान लो कोई भी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये अमेज ही जा रही है हमारे बगल से, ठीक है, अभी तो ये नई है। होंडा कार्स, मारुति कार्स में क्या होता है, जो मतलब मिडिल क्लास सेक्शन की जो, ठीक है, मिड सेक्शन में जो कार्स आती है ना, उनकी पेंट की क्वालिटी ओवर द टाइम डिग्रेड होती है। बट ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज ली, 1 महीने 2 साल 3 साल बाद मेरी गाड़ी भाई पेंट ही ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इनके भी पेंट 10-10, 12-15 साल तक चलते हैं अगर आप सही से मेंटेन करके रखो तो, अच्छी प्रैक्टिस यूज़ करो तो, ठीक है। अब जैसे जो लग्जरी क्लास आती है, स्कॉडा हो गई, ठीक है, बीएमडब्ल्यूज हो गई, वोक्सवैगन हो गई, उनके पेंट की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि भाई वो 10 साल तो हिलेगी भी नहीं, 1% डिग्रेड होगा अगर आप उसकी केयर ना करो तो, ठीक है, केयर करके रखो भी ना तो भी 1-2% से ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता है, राइट। तो इन जैसी गाड़ियों पे मैं बोलूँगा पीपीएफ उनके लिए है जो कि जिनकी ज़्यादा बाहर यूसेज होता है, ठीक है, ऑफ रोडिंग पर जाती है, मड्स में जाती है, ट्रेल्स पर जाती है गाड़ी, ठीक है, कंकड़ पत्थर लगते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको एक्सीडेंटल डैमेज तो नहीं मिलेगा, हालांकि आजकल मैं बहुत ही रीसेंट अपडेट बता रहा हूँ जो कि इस हफ्ते का है, तो बहुत सारे ब्रांड है, सेन गोबेन होंगे, नोर्टन होंगे, ये सब अपनी पीपीएफ पे हमको वो दे रहे हैं एक्सीडेंटल डैमेज भी, तो वो बात अलग है, बट यूजुअली क्या होता है इस पर नहीं मिलता। तो अगर आपकी गाड़ी लगी है तो आपको पहले बम्पर या गेट जो भी लगा है वो तो रिपेयर करवाना ही होगा, उसके बाद आपको पीपीएफ का जो है वो क्लेम मिलेगा,
ठीक है, तो वो बता दिया। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट बताता हूँ ना, अभी एक एक करके इसके डिसएडवांटेज कर दें, थोड़ी सी कहानी आपने सुन ली। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि भाई महंगी है, हर कोई कराएगा तो उसको नहीं सौदा समझ आएगा, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बता देता हूँ, एंड ये हर एक कार के लिए भी नहीं है कि भाई मैं इस पर करा लूँ, एक कोई भी सस्ता सा रोल करवा लूँ, मेरे पास भाई 20,000 से भी रोल स्टार्ट है, ठीक है, एप्लीकेटर मिला लूँ तो मेरे 30,000 हो गए, 30,000 में मेरी गाड़ी पीपीएफ हो जाएगी। बट एक्चुअली में वो पीपीएफ वर्थ नहीं होगी, क्योंकि मैं बताऊँ तो भाई जो 30,000 वाली पीपीएफ है ना, थोड़े दिन में येल्लो हो जाएगी। अब अभी गाड़ी की शाइन देखो। हाँ भाई, थोड़ा सा ना वो है, बारिश हुई थी तो माइंड मत करना, बट हाँ लिटरली में शाइन अभी तक मेंटेन्ड है। बट यही अगर मैं पीपीएफ करा लूँगा ना तो डर्टी होने लगेगी गाड़ी, डर्टी मतलब कि आपको शाइन में थोड़ी सी पेल या फिर येल्लोनेस दिखने लगेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक साल दो साल में हर एक पीपीएफ येल्लो पड़ जाती है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई हाई ब्रांड की ना हो, एंड वो आपने मतलब उसके अंदर ये स्पेशलिटी ना हो कि भाई वो एंटी येलोइंग है, अदरवाइज सारी पीपीएफ होती है। एंड कोई अगर आपको क्लेम कर रहा है ऐसा है तो इट इज़ अ फॉल्स क्लेम, आप उसको टोटली अवॉइड कर सकते हो। लाख रुपए से कम की पीपीएफ लिटरली में एंटी येलोइंग नहीं आती है, अगर कोई एंटी येलोइंग दे भी रहा है तो वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की होगी, अदरवाइज नहीं आती। एंड बहुत ही लिमिटेड ब्रांड है जो इसमें डील करते हैं, रीसेंट डेज में आ रही है, बट हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो 30,000 से 50,000 में तो आपको वो फिनिश नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे आप पीपीएफ करा लोगे, यू विल फील कि भाई मेरी गाड़ी की ना और डल होते जा रही है, पेंट बचा रहेगा बट जो फिल्म है ना उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो तीसरी बात यह है कि भाई इसके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको आगे से हुड दिखाऊं, तो जो हम बात कर रहे थे ना इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन एकदम प्रॉपर है। आप यहाँ देखोगे साइडों से दिखाओ, जो लोगों के पैनल में गैप्स आते हैं ना, यहाँ पे ये वाला जो ये पैनल है इसमें गैप आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये गैप्स नहीं आने चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि भाई आपने एप्लीकेशन सही से किया है नहीं किया, क्या बबल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, लाइक रूफ हो गई, ठीक है, आपने रूफ पीपीएफ करी तो यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, कहीं जो सोल मार्क्स है, ठीक है, वो सब क्लीन करना पड़ता है। ये तो चलो फट रहा है मेरा, तो ये रैप है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट अगर ऐसी पीपीएफ होगी ना तो पीपीएफ में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक बबल की लाइन देखने को मिल जाएगी। पीपीएफ फटेगी नहीं, ये रैप है इसलिए फट गया, अगर पीपीएफ होती तो फटती नहीं, बट हाँ यू विल सी कि भाई एक बबल क्रिएट हो गया इस एरिया के अंदर। तो पीपीएफ के अंदर ये हो जाता है, एंड जैसे ये वाला पार्ट है वो लोग क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, बट एक्चुअल में क्या होगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 श्रिंक करेगा, एंड आपको यहाँ पे यू विल फील कि स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से पैनल के गैप क्रिएट हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखने में मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशन, आप पीपीएफ खरीद लोगे लगा भी लोगे, अगर उसका एप्लीकेशन सही से नहीं हुआ ना तो आपके सारे पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो। एंड अब मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा जहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि भाई जैसे अभी पेंट है, पेंट तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, इसके क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ठीक है, बट पीपीएफ में क्या होगा ना, जब आप पीपीएफ करा लोगे तो डिटेलर की शॉप पे तो आपको बहुत ही शानदार और चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है ना ऊपर लाइट्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है तो आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रबिंग की होती है गाड़ी, ठीक है, उसके अंदर कोटिंग डाली होती है, बहुत सारा सामान डाला होता है तो वो बढ़िया दिखता है। बट आप ले जाओगे घर पे थोड़े दिन रखोगे महीने भर तो आपको दिखेगा कि जो गाड़ी का एक्चुअल पेंट की शाइन होती है ना वो कहीं ना कहीं दब गई है पीपीएफ के अंदर, ये आपको दिखेगा। हाँ ये है कि प्रोटेक्ट कर रही है, बट जो शाइन और जो फिनिश होती है ना वो धीरे धीरे पीपीएफ में ख़राब हो जाती है, एंड कुछ आपका मान लो स्क्रैच वैच भी आया है, कुछ कोई सेल्फ हीलिंग होती है, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं ना बोल के सेल्फ हीलिंग आपको कुछ भी चिपका देते हैं, एंड ये यार चल रहा है इंडस्ट्री में, इसके ऊपर मैं सोच रहा था बनाऊं बट मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये भी मैंने जस्ट फॉर अपने कस्टमर जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है शेयर करनी है वो मैं इसलिए मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं भाई इस मार्केट में, ये भी एक पॉइंट में डाल सकता हूँ, ठीक है, इस पर कभी और बात करेंगे। बट ये है कि इसके नीचे ना शाइन आपको डल पड़ जाएगी, एंड अगर आपका कुछ आता भी है तो आपको बार बार उसको मेंटेनेंस के लिए उसी के बाद जिससे आपने कराई है वहाँ पर भी ले जाना पड़ेगा। एक और ऐड कर दो भाई इसमें, पॉइंट नंबर में कोई नहीं याद कौन सा है, फिफ्थ है, तो ठीक है फिफ्थ के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई आपने 2-3 साल बाद लगा तो ली बट आपको उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है ना उसका जो एडिसिव होता है, ये एक और पॉइंट भी डाल सकते हो या फिर इसी में आप ऐड ऑन कर सकते हो पार्ट के हिसाब से, तो जो उसका एडिसिव होता है ना ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा स्टिक कर लेता है पेंट पे, एंड क्योंकि धूप में चलती है तो भाई वो एकदम ही पेंट से स्टक कर जाता है, एंड अगर अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ नहीं हुई तो उतार टाइम आपका पेंट भी उखड़ जाएगा, पेंट या तो डैमेज हो जाएगा नहीं तो बहुत केसेस में तो उखड़ के ही बाहर आ जाता है, मतलब पेंट को बचाने के चक्कर में पेंट ही उड़ा दोगे आप, ठीक है, एंड क्लियर ही मैंने बता दिया इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है, पेंट की शाइन आपको वो नहीं दिखेगी, ठीक है। अब एक जो लास्ट रह गया ना आपको रिप्लेस भी कराना पड़ेगा,
फाइनल में बता दूँ तो ये है कि भाई आपने पीपीएफ करा ली, ठीक है, आपने क्यों कराई, क्योंकि आपको पेंट बचाना है अपना। अगर मैं बोलूँ भाई आप 30,000 की पीपीएफ करा रहे हो और जैसे ये गाड़ी है इसके अंदर इतने वो नहीं है पेंटिंग एरियाज है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अंदर है काफ़ी जगह पे है पेंटिंग एरियाज है, वो आप करवा सकते हो पेंट, बट मैं बोलूँगा कि भाई 30,000 में ही मेरी अच्छी क्वालिटी का पेंट हो जाएगा और नया पेंट होगा। आप बोलोगे और भाई जो गाड़ी नया पेंट होके आती है ना वो तो ऐसे लगती है कि आँखों के अंदर भाई क्या चमका मार रही है, उसकी शाइन, उसका जो ग्लॉस आता है, उसकी जो क्रिस्टल मतलब चमकते हैं वो ऐसे चमकते हैं कि आपकी आईज में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखेगा कि यार क्या चीज़ है। तो भाई इतने पैसे डाल लो तो मैं आप नया पेंट ही करा लोगे, तो ये बात आ जाती है। तो यूजुअली ऐसी ऐसी कार्स के लिए नहीं होता, आप सिरेमिक कोटिंग में जा सकते हो, ठीक है, 9H कोटिंग बहुत सारी आती है, ग्रेफाइन कोटिंग, अदर अदर लेवल ऑफ कोटिंग आती है, अगर आपको शाइन रखनी है तो उस पर जा सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी कार की शाइन मेंटेन कर सकते हो। बट हाँ, पीपीएफ आप अगर इन कैटेगरी के अंदर आते हो तो मैं बोलूँगा मत लो। एंड सबसे लास्ट और सबसे जो बढ़िया पॉइंट है ना वो ये है, पीपीएफ आपको करानी है तो आपका ये उतरेगा, ये वाला पैनल उतरेगा, ये हैंडल उतरेंगे, ठीक है, एंड अगर मान लो कोई एक मैकेनिक है, लाइट्स भी उतरेगी, सब कुछ उतरेगा पीपीएफ के टाइम, ठीक है, वो आपको भी बताऊंगा, अदरवाइज पैनल गैप्स रह जाएंगे। एंड इन पैनल गैप्स को भी बहुत सारे लोग कवर कर देते हैं, बट स्टिल बहुत सारी जगह पे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप पैनल गैप कवर करने की सोच सकते हो बट फिजिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो एरियाज हम कभी और बता देंगे। तो भाई ये देखो, जब हम ये सब उतार रहे हैं ना तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके अंदर कोई परफेक्शन वाला बंदा हो, जो बहुत अच्छा बंदा हो, क्योंकि आपने नई गाड़ी ली है तभी पीपीएफ कराने का फ़ायदा है, पुरानी पर इतना फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँगा नई पर भी नहीं है क्योंकि नई का तो पेंट ही नहीं है, ठीक है, उसी को बचाना है वैसे तो ये फ़ायदा है। बट अगर आपने एक नई गाड़ी ली है एंड किसी अनाड़ी ने उसका ये खोल दिया, लाइटें खोल दी, लाइट खोलते हुए आपको पता है कैसी कैसी चीज़ें होती है, कपलर्स होते हैं, पिंस होती है, अगर नहीं खुल रही होती तो वो पेचकस मार कैसे निकाल देते, अब वो पिन डैमेज हो गई वो तो थोड़ी देर के लिए जुगाड़ करके फिक्स कर देंगे, टेप लगा देंगे, बट जैसे जैसे आप चलाओगे पिन हिलेगी निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि लाइट क्यों नहीं चल रही है, तब आपको पता चलेगा कि ये जो उन्होंने खोला था ना ये बाहर क्यों आ रहा है, ये कुछ का ये निकल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो काम पे बहुत डिपेंड करता है, एक बढ़िया कर रहा है बंदा तो बात अलग है, नहीं तो अनाड़ी का खेल और खेल के सत्यानाशी होता है। मोस्टली केसेस में ये होता है कि भाई पीपीएफ कराई, कभी कुछ लाइट नहीं जल रही, ठीक है, कभी विंडो वाला कुछ अटक रहा है, मतलब होता है, अगर आपने सही बंदे से नहीं कराई तो वो उस टाइम तो फिक्स कर देंगे बट आपको बाद में रियलाइज़ होगा। एंड यार नई गाड़ी को खुलवाना तो भाई मैं तो नहीं सोचूंगा, बट हाँ अगर आपको लगता है कि ये सही है देन यू मस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना, अगर आपकी गाड़ी बड़ी है, कुछ आपका यूज़ केस ऐसा है, देन इट इज़ अ मस्ट बाई, तो वर्थ इट है इतना पैसा डालना, अदरवाइज़ आपके सामने है, बाकी आपकी समझ है, आपकी सोच है, आपका यूज़ केस है, बाकी तो सब ओके है। तो यार आज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका कोई दोस्त वोस्त है जो कि कराने की सोच रहा है या करा रहा है, कोई भी डाउट है क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे पास बैक टू कस्टम पे A to Z PPF मिल जाती है। अब आप बोलोगे कि PPF नहीं कराने के बाद इसमें बोल दिया, हमारे पास सारी PPF मिल जाती है, तो जिनका यूज़ केस है भाई, ऐसे तो मेरी दुकानदारी ख़राब हुई, बट नहीं भाई हमें अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहना है, जिसका यूज़ केस है यार उसको दो, अदरवाइज़ हमको भी यार ज़बरदस्ती के पैसे कमाने के चक्कर में किसी का हार्ड एंड मनी लेके अपने जेब में डालना वो दैट इज़ नॉट आवर बेसिकली, आप समझो यार हमको। तो हाँ ये है कि हमारे पास सारी PPF मिल जाएगी, आपको रोल चाहिए बेस्ट रेट पे मिल जाएंगे, होलसेल रेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना यार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, बढ़िया बढ़िया वीडियो ला रहे हैं भाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला रहे हैं। तो आज के लिए इतना यार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय और टेक केयर।